अरे किधर भाई, बोलो ना। बहुत हो गया कॉमेडी वीडियो, अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आ जाओ, रियलिस्टिक वीडियो बनाओ। मैं भी वही सोच रहा था, तो सीरियस वीडियो पे वीडियो बनाते। एक काम कर, कैमरा घुमा दे तू। चलो, टू गेट द एक्चुअल ग्राउंड क्लैरिटी, मैं एक जॉब फेयर में आया था, बिकॉज एक न्यूज़ सामने आई थी कि आई एम लखनऊ सीक्स हेल्प फ्रॉम एलुमिनाई टू प्लेस 72 स्टूडेंट। Not all MBA colleges are facing such issue, but compared with previous year, most of them are. But ये तो बात रही IIMs की, जहाँ पे reputable alumni होते हैं, बड़े network होते हैं। But tier 1 and tier 2 colleges का क्या? In 2024, Google 13,000, Amazon 17,000, Microsoft 13,000 and Meta 10,000. ये कोई salary नहीं है, बल्कि इतने number of layoff हो चुके हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी के पास कोई क्लाइंट नहीं है। AI ने रूटीन बग्स ले लिया है, जैसे कि डेटा एंट्री एंड ऑल। सिंस नवंबर न्यूज़ है कि ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फ्रेशर की कोई हायरिंग नहीं होने वाली। इकोनॉमिक टाइम्स प्रेडिक्ट दैट दिस ईयर 70,000 to 80,000 फ्रेशर्स आर गोना गेट हायर, विच इज़ लोएस्ट इन 20 ईयर्स। बस 20 साल में सबसे कम है। टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस जो एंटायरली डिपेंड होती है IT प्लेसमेंट में, वो सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है। दिस ईयर 15 लाख बच्चे जो है वो ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिसमें से 1.5 लाख बच्चों को भी जॉब नहीं लगने वाली। बहुत अच्छी न्यूज़ है, आगे बढ़ के देखते क्या होता है। एंड ऑल दिस वी आर नॉट इवन कंप्लेनिंग, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। आई ट्राइड बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू गेट कन्विंस्ड। जब ये लोग ने ED के वन साइड रेड, वाइस गवर्नर ऑर्डर्स और क्रशिंग द ओपोजिशन, उसे गलत नहीं मानते। एक करप्ट पॉलिटिशियन जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाता है, वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलते, तो इस पर क्या बोलेंगे। और ये यूथ से भी मुझे कोई सपोर्ट की आशंकाएं नहीं है, इन्हें कहाँ अपनी पड़ी है, बिकॉज बिग बॉस के विनर ही तो यूथ को जॉब देंगे। अरे भाव साहेब के सपोर्टर्स तो देखो, हमारे क्राउड्स तो आके देखो, यही तो हमें जॉब देंगे और इंस्टाग्राम रील हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब बात आती है इन्फ्लुएंसर पे, तो हमारे इन्फ्लुएंसर भी कोई कम नहीं है। हमें कमली रमी पे बुलाते हैं, सपना 11 पे टीम बनाने बोलते हैं, लाइफ को केसरी बनाना सिखाते हैं। इनसे ही हम सीख रहे हैं आज। माना ये सब बड़े बड़े कंपनियों के स्टैट्स है, चलो आते हैं हम सबकी फेवरेट सर्विस बेस्ड कंपनियों पे। इन्फोसिस, TCS, विप्रो टू हायर 40% लेस इन 2024। इन 25 ईयर्स द हेड काउंट ऑफ हायरिंग हैज़ फॉलन डाउन। माना ये सब ग्लोबली हो रहा है, बट हम तो आत्मनिर्भर है, विश्व गुरु भारत है हम। और न्यूज़ और कहीं पेपर्स में भी हमें ये दिख नहीं रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा क्यों हो रहा है। चलो लिंक्डइन का डेटा देखते। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन डेटा, नियरली 8 out of 10 पीपल आर इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, बिकॉज 42% ऑफ देम आर थिंकिंग वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट गुड, 37% आर थिंकिंग फॉर अ हायर वेजेस। इसका मतलब जॉब प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। एक क्वेश्चन मुझे आपसे भी पूछना है। आपको पता है मैं हमेशा लैपटॉप लेके क्यों घूमता हूँ? इवन मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग आवर्स एंड आवर्स, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ पप्पू हु इज़ विलिंग टू डू द ट्वाइस द वर्क इन हाफ ऑफ द सैलरी। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए करना पड़ता है। ऑफकोर्स इन फ्यूचर चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। कोटा में क्या हो रहा है हम सभी लोग को तो पता ही है, हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, पैशन के पीछे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक रिपोर्ट आई थी बीच में AESR की तरफ से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। 14 टू 18 ईयर्स के बच्चों के ऊपर ये किया था, और उससे पता चला कि उन्हें 3 डिजिट का नंबर भी डिवाइड करने नहीं आ रहा है। वो घड़ी पे देख के टाइम का अंदाज़ा नहीं बता पा रहे, ना ही स्केल का प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं होता, ये 28 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 स्टेट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 35,000 यूथ पे किया गया था। और इससे मालूम ये पड़ता है कि दे आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर स्किल्ड ट्रेनिंग, और 1/4 बच्चे तो ढंग से इंग्लिश भी नहीं पढ़ पा रहे। और इन सब का एडवांटेज लेता कौन है? ऑब्वियसली जो कोचिंग क्लासेस चलती है, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, वो सभी लोग, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफकोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसे लोग एजुकेटेड बने। ऑफकोर्स ये एजुकेटेड बनेंगे तो हमें वोट कौन देगा। एक क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी है मुझे कि ये जो पॉलिटिशियन यूथ को अट्रैक्ट करते हैं अपने मोर्चाज में और सो कॉल्ड
रैलीज में ये सेम एम्प्लॉयमेंट की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं मतलब ये लोग अपने खुद के बच्चों को एब्रॉड स्टडीज़ में भेजते हैं, यहाँ का एजुकेशन नहीं दे रहे, तो हमें क्यों ये सब चोचलों में फंसा के रख रहे? आज अगर देखा जाए 30 लाख वैकेंसी है गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर सारे गवर्नमेंट जॉब्स मिला दिया जाए, बट फिर भी ये हमें लेंगे नहीं बिकॉज दे ऑल्सो नो वी आर नॉट वर्थ इट। सो वॉज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? क्या हम सरकार को हेट करते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, घर पे बुलडोजर आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2024 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, आपने तो सर्वे देख ही लिया है। यही कहना चाहूँगा बस कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा करो, और 2 मिनट बैठ के सोचो कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बस यही कहूँगा कि ये एक्टिंग कर रहा था मैं सामने फॉर्म भरने की, मैं कोई एक्चुअल में फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये रेज्यूमे भर रहा था मैं, बट ठीक है। चलो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और गुड बाय, मिलते हैं। और बताना यार वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर।